मिले जन जन को सम्मान, बने उन्नत राजस्थान, सूबे के मुखिया का यही अरमान, बढ़े भागीदारी सबकी, विकास ले नई उड़ान। राजस्थान मिशन और वीडियो जन सम्मान का यही पैगाम। आइए देखें क्या रहे आपके उत्तम सुझाव, जिनसे राजस्थान की प्रगति ले रही नए आकार। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट सरकारी योजनाओं को प्रदेश के हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का एक संकल्प था। इसी दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और कदम बढ़ाया, जिससे राजस्थान की प्रगति को नए पंख लगाए जा सके, और शुरू किया गया राजस्थान मिशन 2030। उन्नत राजस्थान बनाने में अपने महत्वपूर्ण सुझावों का दिया योगदान, राजस्थान वासियों ने जीते ढेरों इनाम। आइए देखें, गांव में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क, बिजली, जल, रोजगार, कृषि और तकनीक क्षेत्र में हो रही प्रगति की गति बढ़ाने पर केंद्रित रेखा मेहरा जी का ये वीडियो यकीनन पहले इनाम का हकदार है। कहते हैं हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। हिंदुस्तान को यदि सही मायने में जानना है तो आओ किसी गाँव की ओर चले और अपनी संस्कृति से हम रूबरू हों। वर्ष 2030 में अगर प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाएगी तो इसकी शुरुआत गांवों से होगी। इस राह की शुरुआत होगी उस सड़क से जो पक्की होगी और हर गांव को विकास की राह से जोड़ देगी। हर घर पहुंचे बिजली, हर घर नल, सुनहरा होगा हमारा आज, सुनहरा होगा कल। किसी ग्रामीण को न छोड़ना पड़े अपना घर, अपने गाँव में ही मिले रोजगार और हो रहे गुजर। किसानी, खेती, हस्तकला, ग्रामोद्योग, लोक गायक, लोक चित्रकार को मिले संरक्षण और प्रशिक्षण, हो गांव का विकास और हर चेहरे पर खिले मुस्कान। एक ही छत के नीचे हो सभी काम, गांव वाले कभी नहीं होंगे परेशान। गिरदावरी हो, फसल का मुआवजा हो, नाप जोक हो, आधार बनवाना हो या जनाधार लेनी हो सूचना, ये सब सुविधाएं एक जगह एक छत के नीचे मिलना बनाएगा जीवन आसान। किसान सेवा केंद्र ना केवल तकनीक, नवाचार और नई जानकारी के केंद्र बने, बल्कि किसानों की खुशहाली के केंद्र बने। ना दौड़ना पड़े ग्रामीणों को शहर, ना होना पड़े मोहताज, गांवों में चिकित्सा चिकित्सक की सुविधा मिले अपरंपार। अस्पतालों में कोई भी पद ना रहे रिक्त, बच्चा, बूढ़ा, महिला और युवा रहे तंदुरुस्त। सबसे जरूरी बात, विकास की धुरी है शिक्षा। विद्यालयों में 100% नामांकन और ठहराव करना होगा सुनिश्चित। सूचना की ताकत बनाएगी ग्रामवासी को सशक्त। किसानों को फसल सुरक्षा के साथ मिले न्यूनतम आय गारंटी। महिलाओं को भी हस्तशिल्प की जानकारी दें, बनाए विकास की सहगामी। तो आओ 2030 में लिखें विकास की इबारत, आओ लौट चले गांव और बनाए सशक्त। नई सोच नई सुबह लेके आएगी, हर प्रदेशवासी के चेहरे पर मुस्कान खिलखिलाएगी। जैविक खाद उत्पादन से समृद्ध बनेगा राजस्थान, पूजा जी के इन्हीं सुझावों ने जीता ये नाम। हमारी राजस्थान सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चला रखी है। जैविक खेती हेतु हमारी राजस्थान सरकार लागत का 50% अधिकतम 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 4 हेक्टेयर तक, प्रथम वर्ष 4,000 व द्वितीय व तृतीय वर्ष में 3,000 का अनुदान देती है। वह जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण हेतु 50 हेक्टेयर के क्लस्टर के लिए 5,00,000 रुपये, जिसमें प्रथम व द्वितीय वर्ष 1.50 लाख व तृतीय वर्ष में 2,00,000 का अनुदान हमारी राजस्थान सरकार देती है। मिशन 2019 के लिए मेरे सुझाव जैविक खेती अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित हैं। खेती में लगातार केमिकल युक्त खाद, कीटनाशकों का प्रयोग करने से काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। इससे फसल की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है और उसके विपरीत प्रभाव हमारे पर्यावरण पर भी पड़ते हैं और कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता में भी धीरे धीरे कमी आती है। राजस्थान में जैविक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सबसे पहले विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करना होगा। जैविक खेती करने वाले किसानों को ऋण, सब्सिडी व अन्य सहायता देकर उन्हें जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजस्थान में ज्यादातर छोटे किसान हैं, अतः छोटे किसानों को जैविक खाद बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे स्वयं ही पशु अपशिष्ट, गोबर, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद बनाकर उनका प्रयोग खेती में कर सकें। जैविक खेती व पशुपालन का एक दूसरे से सकारात्मक संबंध है, अतः जैविक खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। पशुपालन में अग्रणी राज्य होने के कारण यहाँ जैविक खाद उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। जैविक उत्पादों से संबंधित उद्योगों, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे गाँव में स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। जैविक खेती पर शोध हेतु राजस्थान में अधिक से अधिक
शोध केंद्र खोले जाने चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ पॉली हाउस फार्मिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देकर भूमिगत केबल के फायदों का स्मार्ट विचार, नेताजी ने जीता ये पुरस्कार। बिजली हमारे दैनिक जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि बिजली के तार और खंभों से बिजली हमारे घर तक पहुंचती है। ये बिजली के खुले तार कई बार बिजली संकट और हादसों का कारण बनते हैं। भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में सकड़ी गलियों में चारों तरफ बिजली के तार ही दिखाई देते हैं, जो शहरी सुंदरता को भी खराब करते हैं। मेरा राजस्थान मिशन 2030 को लेकर राजस्थान सरकार से सुझाव है कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के सभी शहरों में ओवरहेड केबल को भूमिगत करने की आवश्यकता है। भूमिगत केबल से बिजली के तारों के जंजालों से मुक्ति मिलेगी तथा हम सभी एक सुरक्षित और स्वच्छ बिजली सप्लाई का आनंद उठा सकते हैं। यह राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भूमिगत केबल के उपयोग से कई लाभ हैं, जैसे पहला, तेज हवा व तूफान से बिजली की केबल को नुकसान नहीं होगा। दूसरा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तीसरा, भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों व सकड़ी गलियों में जहां ओवरहेड लाइनें स्थापित करना मुश्किल होता है, वहां आसानी होगी। चौथा, बिजली की चोरी पर रोक लगेगी। और पांचवा, शहरों की सुंदरता बढ़ेगी। आप सभी के उम्दा सुझावों से राजस्थान की तरक्की की राह और प्रशस्त हुई है। ना थमेंगे कदम, मिलकर राजस्थान को बनाएंगे नंबर वन। तो आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।